नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्री बद्रीनाथ धाम के बारे में, बद्रीनाथ धाम की कहानी और उसके इतिहास के बारे में। बद्रीनाथ धाम भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। यह एक पवित्र हिंदू मंदिर है। बद्रीनाथ मंदिर में भगवान विष्णु के एक रूप श्री बद्री नारायण की पूजा होती है। कहा जाता है बद्रीनाथ धाम की यात्रा के बिना बाकी सभी तीर्थ धाम अधूरे हैं। यह धाम चारों ओर से हिमालय क्षेत्र से घिरे होने के कारण 6 महीने खुला और 6 महीने बंद रहता है। बद्रीनाथ धाम को पुराणों में दूसरा बैकुंठ कहा जाता है, जहां भगवान विष्णु सच में विराजते हैं। बद्रीनाथ धाम को 3 भागों में विभाजित किया गया है, गर्भगृह, दर्शन मंडल और सभा मंडल। माना जाता है कि भगवान बद्रीनाथ जी की कथा को पढ़ने और मात्र सुनने से ही पाप मुक्त हो जाते हैं। पुरानी कथा के अनुसार दबोदर्भ नाम का एक राक्षस था, जो कि भगवान सूर्यदेव का बहुत बड़ा भगत था। उसने सूर्यदेव की घोर तपस्या करके उनको प्रसन्न किया और अमर रहने का वरदान मांगा। सूर्यदेव ने वर देने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए तुम कोई और वर मांगो, वह मैं तुम्हें दे दूंगा। उसने भगवान सूर्यदेव से 1 सहस्त्र कवच देने को कहा और मेरा 1 कवच वही तोड़ सके जो 10,000 वर्ष की तपस्या कर सकता हो। सूर्यदेव वचनबद्ध थे तो उन्होंने उसे वरदान दे दिया। 1 सहस्त्र कवच होने के कारण दबोदर्भ का नाम सहस्त्र पड़ गया। उसके बाद सहस्त्र कवच अपने आप को अमर समझने लगा और उसने 3 लोकों में उत्पात मचा दिया। फिर सभी देवगण अपनी समस्या लेकर श्री नारायण भगवान विष्णु के पास गए तो भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया कि मैं शीघ्र ही इसका कोई उपचार करूंगा। भगवान विष्णु आत्मचिंतन में लीन हो गए कि सहस्त्र कवच का वध कैसे किया जाए। फिर उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से पृथ्वी लोक के हिमालय के केदार खंड में एक स्थान देखा, जहाँ 1 दिन की तपस्या करने का फल 10,000 वर्ष के बराबर होता है। भगवान नारायण केदार खंड गए तो उन्होंने वहाँ देखा कि महादेव शिव और माता पार्वती पहले से वहाँ निवास करते हैं। फिर भगवान नारायण को एक लीला सूझी। वह ऋषि गंगा के समीप जाकर एक शिला में एक नन्हे बालक का रूप लेकर बैठ गए और जोर जोर से रोने लगे। उस शिला को लीला डूंगी के नाम से जाना जाता है। बालक की रोने की आवाज़ 3 लोकों में गूंजने लगी। भगवान महादेव शिव नारायण की लीला को समझ चुके थे, लेकिन जगत माता पार्वती ममता के अधीन होकर ये ना जान पाई कि वह नारायण की लीला है। माँ पार्वती ममता से विभोर होकर भगवान शिव से कहने लगी, इस प्यारे से बालक को न जाने कौन यहाँ छोड़ गया है, मुझसे इसका रोना देखा नहीं जाता। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं बालक को देखकर आ जाऊँ। भगवान शिव, जो भगवान नारायण की लीला जान चुके थे, उसका आनंद ले रहे थे। फिर उन्होंने माता से कहा, जिसका बालक होगा वो स्वयं ही ले जाएगा, अगर आपको फिर भी जाना है तो आप बालक को देख के आ जाओ। माँ पार्वती बालक के पास गई और नारायण के उस सुंदर रूप को देखकर बालक को गोदी में उठाए बिना रह नहीं पाई। बालक भी माता की गोदी में जाकर शांत हो गया। फिर माता उस बालक को अपने साथ ले गई और भगवान शिव से कहा कि नन्हे से बालक को मैं अपने पास ही रख लूं। महादेव, जो नारायण की लीला को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, माता से बोले, रख लो, पर बाद में पछताना मत।
माता ने भगवान शिव से कहा, यह तो बालक है, इसको अपने साथ रखने से पछताना कैसा। और फिर माता ने उस बालक को सुला दिया। माता पार्वती और भगवान शिव स्नान ध्यान करने लगे। जब वापस आए तो देखा जहाँ बालक थे वहाँ चतुर्भुजी श्री नारायण जी बैठे हैं। माता ने नारायण भगवान को देखा और कहा, आप यहाँ कैसे, आपके यहाँ आने का प्रयोजन और बालक कहाँ गया। भगवान नारायण मुस्कुराए और बोले, माँ आपका वो बालक मैं ही हूँ। मैं जग कल्याण हेतु यहाँ ध्यान लगाने आया हूँ। यह स्थान बड़ा ही दिव्य है। मुझे जब पता चला कि इस स्थान में आप रहते हो तो मुझे यह लीला करनी पड़ी ताकि आप स्वयं ही मुझे यह स्थान दे दें, और आपने स्वयं ही मुझे यह स्थान दे दिया। तब माता पार्वती और महादेव शिव ने यह स्थान श्री नारायण को दे खुद स्वयं केदारनाथ चले गए। जिस स्थान से भगवान शिव और माता गए उस स्थान को आदि केदारेश्वर के नाम से जाना जाता है। यहाँ आज भी भगवान विष्णु के बाल रूप के पद चिन्ह हैं। फिर नारायण ध्यान चिंतन में लीन हो गए। उनके धरती लोक में ध्यान चिंतन में लीन होने के कारण माता लक्ष्मी व्याकुल हो गई और सोचने लगी कि प्रभु की सेवा कैसे करूं। माता लक्ष्मी भी केदारखंड आ गई और जहां नारायण आत्मचिंतन में लीन थे वहां पे बद्री के पेड़ के रूप में नारायण को धूप बारिश बर्फ़ से बचाने लगे ताकि श्री नारायण को आत्मचिंतन में कोई परेशानी ना आए। जब श्री नारायण का ध्यान टूटा तो वह माता लक्ष्मी के सेवा से बहुत प्रसन्न हुए और माता को वरदान दिया, आपने बद्री के वृक्ष के रूप में मेरी सेवा की है तो मेरा यह प्रिय स्थान बद्री नारायण अर्थात बद्रीनाथ के नाम से विख्यात होगा, और जब कभी भी मेरा नाम लिया जाएगा तो मेरे नाम से पहले आपका नाम लिया जाएगा। उसके बाद से ही माता का नाम श्री नारायण से पहले लिया जाता है, जैसे बद्रीनाथ, सीताराम, राधा श्याम, लक्ष्मी नारायण। उसके बाद श्री नारायण ने धर्म और उनकी पत्नी रुचि, जो कि भगवान विष्णु के अन्यन भगत थे, नारायण की पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे थे, उनके घर में नर नारायण के रूप में अवतार लिया। नर नारायण अपनी बाल्यावस्था में ही जग कल्याण हेतु अपने माता पिता से आज्ञा लेकर तपस्या करने बद्री का आश्रम आ गए। तत्पश्चात अलकनंदा के दाई और बाई और नर नारायण तपस्या करने लगे। जिस पर्वत पर नर ने तप किया उसे नर पर्वत तथा जिस पर नारायण ने तप किया उसे नारायण पर्वत के नाम से जाना जाता है। जब नर नारायण के तप के प्रभाव तीनों लोकों में फैल गया, उनकी घोर तपस्या का पता जब सहस्त्र कवच को चला तो वह नर नारायण से युद्ध करने के लिए बद्री का आश्रम में आ गया। फिर पहले दिन नारायण से युद्ध किया जिससे सहस्त्र कवच का एक कवच टूट गया। अगले दिन नारायण तप करने लगे तो नर ने उसका दूसरा कवच तोड़ दिया। फिर यही सिलसिला चलता रहा। एक दिन नर तप करते तो उस दिन नारायण लड़ते, अगले दिन नारायण तप करते तो नर लड़ते। इस तरह से सहस्त्र के सभी कवच तोड़ दिए गए। सहस्त्र के कवच टूटने के डर से वह भागने लगा और उसके पीछे नर नारायण भी भागने लगे। सहस्त्र भागकर सूर्य देव की शरण में चला गया। सूर्य देव ने फिर भगवान नर नारायण से विनती की कि प्रभु अभी यह मेरी शरण में है और मेरा धर्म इसकी रक्षा करना है, तो आप दया करके सहस्त्र कवच को अभी छोड़ दें। तभी नारायण ने सूर्य देव की बात रखते हुए उन्हें कहा कि अभी तो मैं इसे छोड़ देता हूँ, किंतु द्वापर युग में आपको इसे कुंती के आवाहन करने पर उसके पुत्र के रूप में भेजना होगा। उस समय मैं कृष्ण अवतार में रहूँगा और नर अर्जुन के अवतार में, तब उसकी मृत्यु अर्जुन के हाथों से होगी। नर नारायण वापस बद्री का आश्रम आकर तप करने लगे। कुछ समय बाद भगवान नारायण ने देवताओं से कहा, बद्री का आश्रम से
नारद शिला के नारद कुंड के नीचे से उनकी मूर्ति निकालो और उसकी स्थापना करो, क्योंकि कलयुग का आरंभ होने वाला है और मैं साक्षात रूप में नहीं रह सकता। उस मूर्ति के जो भी प्राणी दर्शन करेगा उसे मेरे साक्षात दर्शन करने का फल प्राप्त होगा। जो भी यहाँ सच्चे मन से आएगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार बद्रीनाथ धाम में भगवान नारायण की मूर्ति की स्थापना हुई। बोलो श्री बद्रीनाथ भगवान की जय हो।